सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ज्ञान धर्म एवं शक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन इसका फल सदैव मीठा ही होता है। कष्ट और विपरीत मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव विजयी होते हैं। कुछ चीजों का हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए अगर वह हमारे सामर्थ्य से बाहर है। आज का पंचांग 12 मई 2022 दिन गुरुवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 6:51 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 7:30 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:01 से 3:39 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 12 मई 2022 दिन गुरुवार, आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने किसी वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर ले और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें। यह समय जल्द ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय भी बिताएं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा उलझा मामला किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से हल होने की संभावना है। परिवार वालों के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। काफी सुकून और पॉजिटिव महसूस करेंगे। खर्चों की बढ़ोतरी की वजह से तनाव रह सकता है। आज अन्य बातों से अधिक आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए ध्यान देने की कोशिश करें। जब तक आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होती तब तक मन में उत्पन्न हो रहे डर को दूर कर पाना संभव नहीं होगा। अपने करियर से संबंधित हर एक काम में पारंगत होने की कोशिश करें, लेकिन एक साथ अनेक बातों पर ध्यान देने की वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। रिलेशनशिप में नकारात्मकता महसूस हो सकती है, धैर्य रखें। पेट की जलन तकलीफ दायक हो सकती है। सावधानियां, कई तरह की उपलब्धियां सामने आएगी परंतु आपका गुस्से और आवेश वाला रवैया आपके कार्य में रुकावट डाल सकता है। आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी। अपनी नकारात्मक आदतों में सुधार लाएं। व्यर्थ ही किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन मधुरता से परिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां भी बढ़ेगी। हर एक आदमी अपने आप में अलग है और खुद को सारी संभावनाएं तलाश करना चाहता है, लेकिन आप अपने पार्टनर को ऐसा करने से रोक रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग करने की कोशिश में वे कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे और जो जोखिम वह उठाना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उन्हें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। अगर सहयोग में रोमांस का तड़का भी लगा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। बात करते हैं करियर की। अवसाद और कठिनाइयां आज आपके कार्यस्थल पर आने के संकेत दे रही है। हालांकि अगर आपने अपने पिछले अनुभवों से कुछ सीख ली है तो आप काफी आसानी से इनका सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। अपने अतीत से ज्ञान लेना समय की आवश्यकता है। इस चीज का सही समय पर इस्तेमाल आपकी करियर को काफी गति दे सकता है। आपको अपने निर्णय जल्दी लेने होंगे ताकि वह प्रभावी हो सके। व्यवसायिक परिस्थितियों में अभी जैसा चल रहा है उसी में संतुष्ट रहें। कुछ नयापन होने की संभावना नहीं है, परंतु रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर वाले लोग सावधान रहें। आपको संक्रमण की काफी आशंका भी है, इसीलिए अब यह बहुत जरूरी है कि आप अपने छोटे मोटे दैनिक उपयोग की चीजें जैसे साबुन तौलिया अलग ही रखें।
यहाँ तक कि एक ही कंघी का प्रयोग करने से भी संक्रमण हो सकता है। आपको अपने सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए। संक्रमणों की आशंका से बचने के लिए अपने घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।